नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। महाराष्ट्र में नई सरकार गठन के बाद भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को अपने गृह नगर नागपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस बीच उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को एक सफल मुख्यमंत्री बनाना उनकी जिम्मेदारी है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का मेरा प्रस्ताव था। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा, अगर मैंने अनुरोध किया होता तो मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता था। हमने विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का मेरा प्रस्ताव था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जोर देकर कहा कि अगर मैं इससे बाहर रहा तो सरकार नहीं चलेगी, इसलिए मैंने उनके आदेश पर उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया। फडणवीस ने नाम लिए बिना पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र की राजनीति की है और राज्य की राजनीति की संस्कृति को खाई में डाल दिया है। आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2019 में भाजपा शिवसेना को शासनादेश मिला था, लेकिन जनता का ये शासनादेश चोरी हो गया और कुछ लोगों ने उसे चुरा कर सरकार तैयार कर ली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद नागपुर में अपने गृह नगर लौटने पर देवेंद्र फडणवीस के स्वागत के लिए नागपुर हवाई अड्डे से धर्मपेट स्थित त्रिकोणी पार्क के पास उनके आवास तक लगभग 10 किलोमीटर की लंबी रैली निकाली, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। फडणवीस ने रैली के दौरान अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा, आपकी सरकार महाराष्ट्र में वापस आ गई है। करीब 2.5 साल पहले 2019 में आपने हमें सत्ता के लिए चुना था, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात किया गया। उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने हमसे जनादेश छीन लिया। मुझे आप सभी ने राज्य का नेतृत्व करने के लिए चुना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिवसेना और बीजेपी की नई सरकार बनी है। अब एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री है, जो राज्य को पुनः विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। इस आशय के विचार फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। विदर्भ व मराठवाड़ा जैसे पिछड़े क्षेत्र का विकास हुए बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इस कारण पिछड़े क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास का एजेंडा चलाएंगे, ऐसा विश्वास राज्य के नवपदस्थ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को प्रेस क्लब में मीडिया संवाद के दौरान दिलाया। प्रेस क्लब ऑफ नागपुर की ओर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विधायक गण चंद्रशेखर बावनकुले, परिणय फुके, प्रवीण दटके, मोहन मते, टेकचंद सावरकर, विकास कुंभारे, कृष्णा खोपड़े, पूर्व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, नागपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप मैत्र तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र को देश में प्रगतिशील राज्य बनाने का संकल्प है, ये बताते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विदर्भ, मराठवाड़ा व उत्तर महाराष्ट्र के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही सिंचाई प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली दरों में सहूलियत, वैधानिक विकास मंडल पुनर्जीवित करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ ही किसान व कृषि का अधिक शाश्वत विकास करने विविध योजनाओं का प्रभावी व परिणामकारक अमल किया जाएगा, जिसमें नानाजी देशमुख कृषि संजीवन प्रकल्प, जलयुक्त शिवार अभियान और कृषि पंप जैसी योजना पुनः शुरू की जाएगी। कंप्यूटरीकृत ऑनबोर्ड टिकट जांच और यात्रियों को खाली बर्थ के आवंटन के लिए भारतीय रेलवे पर HST शुरू करने की रेलवे बोर्ड की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने टिकट चेकिंग के लिए नवीनतम तकनीकी गैजेट HST पेश किया है। मंडल रेल प्रबंधक रुचा खरे के कुशल मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्णनाथ पाटिल की निगरानी तथा सहायक वाणिज्य प्रबंधक हेमंत बेहरा की देखरेख में नागपुर मंडल के टिकट जांच कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। HST टिकट जांच के अधीन पहली ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस है, जिसमें सभी टिकट जांच कर्मचारियों को HST प्रणाली में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आईपैड के आकार के HST को यात्री आरक्षण चार्ट के साथ लोड किया जाएगा, क्योंकि ये GPRS के माध्यम से PRS के केंद्रीय सर्वर से जुड़ा हुआ है। टिकटों की बुकिंग, खाली बर्थ की स्थिति का विवरण वास्तविक समय के अनुसार अपडेट किया जाता है। इससे यात्रियों को कैंसिलेशन या वेटिंग लिस्ट टिकट के आरक्षण में काफी मदद मिलेगी। इससे बर्थ के आवंटन में भी पारदर्शिता आएगी। निकट भविष्य में HST का उपयोग यात्रियों से अतिरिक्त किराया, जुर्माना और अन्य शुल्क वसूलने के लिए भी किया जा सकता है। राहत जन्नत एसोसिएशन ने MM रब्बानी हाई स्कूल कामठी में क्विज प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाफिज महरोज हसन ने की और इसे मुफ्ती फयाज फलाही ने प्रायोजित किया। क्विज प्रतियोगिता के दो ग्रुप बनाए गए। ग्रुप ए में अनाबिया काशफ ने पहला स्थान हासिल किया और साइकिल पुरस्कार जीता।
ग्रुप बी में अब्दुल रहमान ने पहला स्थान हासिल किया और माइक्रोवेव ओवन जीता। दोनों समूह में दूसरा पुरस्कार कूलर के रूप में था, जिसे जहरा फातिमा और शाफे निहाल ने जीता। वहीं डिनर सेट के रूप में तीसरा पुरस्कार नमीना कौसर और अंबरीन फातिमा ने जीता। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौलाना शोएब साहिब, मुफ्ती जिया उर रहमान साहिब, मौलाना शमीम नसीरी साहिब, मौलाना मुस्तबा, मौलाना जिया उल हक, हाफिज अकरम, मास्टर अल्ताफ उर रहीम, अब्दुल गफ्फार, एस क्यू जमा, रियाजुल खालिक, सुरेश भोयर, राजेश बनसिंघे, आबिद हुसैन, शबादत हुसैन, इफ्तिकार अहमद, मसरूर अहमद, डॉक्टर कमाल, डॉक्टर रफीक एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे। हाफिज मुजम्मिल अधहर ने निर्देशक के कर्तव्य का पालन किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हाफिज मुजम्मिल अधहर, मोहम्मद उमैर, वाहिब बिलाल, हाफिज सैयद शाकिर, मोहम्मद मुआज, मोहम्मद फराज, मोहम्मद वसीम, तफसीर जुनैदी, मोहम्मद अरकाम, मोहम्मद मुजम्मिल और अन्य सदस्यों ने कड़ी मेहनत की। महाराष्ट्र के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को नागपुर पहुंचने के बाद रेशिमबाग स्थित स्मृति मंदिर को भेंट दी। यहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव हेडगेवार गुरुजी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर अभिवादन किया। इस अवसर पर उनके साथ विधायक मोहन मते, पूर्व महापौर संदीप जोशी, शहर भाजपा अध्यक्ष प्रवीण दटके सहित अनेक पदाधिकारी एवं नेतागण उपस्थित थे। सीताबर्डी स्थित गर्ल्स स्कूल के पास पेड़ गिरने से वाहनों की क्षति हुई है। झाड़ को हटाने के लिए महानगर पालिका के पास सामग्री नहीं है और गार्डन विभाग के कर्मचारी यहां मौजूद है, लेकिन उनके पास भी पर्याप्त सामग्री न होने के कारण कार, स्कूटर और साइकिल तथा रोड झाड़ के कारण अटके हुए हैं। ये घटना आरटीए एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ के कार्यालय के सामने घटित हुई है। ये जानकारी स्वयं उन्होंने ही दी है। कैंसर मुक्त महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत भाजपा जैन प्रकोष्ठ के सहकार्य से प्रदेश प्रमुख संदीप भंडारी के नेतृत्व में भाजपा शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके के सहमति से भाजपा जैन प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री प्रशांत मानेकर जैन के सहयोग से तथा विदर्भ सेवा समिति के संयोजन में 105वां मुफ्त कैंसर निदान शिविर वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र संतरा मार्केट बजेरिया में आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन समाज सेवी रतन पोद्दार डॉक्टर सुभाष राउत गिरधारी मंत्री ने किया। शिविर के उद्घाटक रतन पोद्दार ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर इस कैंसर निदान शिविर की काफी सराहना कर आयोजकों का उत्साहवर्धन किया। अतिथि के रूप में समिति के कार्याध्यक्ष डॉक्टर संतोष मोदी, अध्यक्ष आनंद निर्माण, सचिव अशोक गोयल, सह सचिव प्रशांत मानेकर जैन, कोषाध्यक्ष बाबूलाल नेवटिया, डॉक्टर सिमंदर मारवटकर, डॉक्टर सुनीता पारक, आनंद पोद्दार, मंदा पाटी, लता राघव, आभा चंदेल, किरण श्रीवास्तव, मंजू कुंभलकर, श्रीकांत उपकर गुप्ता, अनिल दिनेश सावलकर, अजय गौर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के महामंत्री प्रशांत मानेकर जैन ने किया। आभार प्रदर्शन समिति के सचिव अशोक गोयल ने किया। इस शिविर का 70 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समिति के सभी पदाधिकारी ने प्रमुख भूमिका निभाई। सिंधी समाज व युवा क्रांति मंच पंजू तोतवानी मित्र परिवार की ओर से नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऑरेंज सिटी चौक पर पूर्व पार्षद प्रकाश तोतवानी व पंजू तोतवानी के संयोजन में भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है ये नारे लगाए। पंजू तोतवानी ने विशाल हार से उप मुख्यमंत्री का सत्कार किया। चौराहे को पताकाओं से सजाया गया था। इस अवसर पर पूर्व पार्षद प्रकाश तोतवानी, नवनीत सिंह तुली, अनूप मुखर्जी, डॉक्टर अनूप मरार, अजय पाटनी, लोकेश आष्टनकर, बादल माटे, गनु गंगवानी, कुणाल पडोले, मनीष ठाकुर, गोपाल कक्कड़, सुरेंद्र भेंडे, रोहित कटरे, राजू गंगवानी, आकाश तोतवानी, अंकुश गुप्ता, संदेश बत्रा, कन्हैया तोतवानी, लक्ष्य आसवानी, जतीन नारायणी, कालू हरवानी, गुरमीत वीज, दम्मू हड्डा, विजय कड़ू, चंदन घोड़े, हाजी यूसुफ, सत्यपाल सेठी, अजय, विजय, चंचल रेणु सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। स्फीहा एक पंजीकृत एनजीओ है जिसने 2006 में आगरा भारत से अपना संचालन शुरू किया था और आज 200 से अधिक स्थानों पर दुनिया भर में इसकी शाखाएं हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के एक हिस्से के रूप में स्थापना के बाद
ये संस्था अपना वार्षिक पौधारोपण अभियान निरंतर चला रही है। इस वर्ष स्पीहा ने 1 जुलाई को 4 महाद्वीपों में 200 से अधिक स्थानों पर 55,000 से ज्यादा पौधे लगाकर अपना सबसे बड़ा पौधारोपण अभियान चलाया। स्पीहा ने दुनिया भर में हजारों पौधे लगाए हैं और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए 3 साल तक संवर्धन कार्य किया है। पिछले 15 वर्षों में स्पीहा सदस्यों द्वारा लगाए गए सभी पौधों में से लगभग 84% पूर्णतया सुरक्षित है। पेड़ न केवल अपने उत्पादों के लिए बल्कि जैव विविधता को बढ़ावा देने, कार्बन संरक्षित करने, पानी की गुणवत्ता को संरक्षित करने और अन्य परिस्थिति की तंत्र की सेवाओं को करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में स्पीहा पहले से ही दयाल बाग के वायु गुणवत्ता सूचकांक का अवलोकन कर रही है, जहां संस्था ने पिछले 15 वर्षों में स्थिर गति से सुधार करते हुए पौधारोपण अभियान चलाया है। नागपुर के फैशन एवं नवनीतन कलेक्शन के चहेतों के लिए ताना बाना एग्जीबिशन फिर से एक बार 5 जुलाई को परंपरा हॉल वर्धमान नगर में टीआरआई एग्जीबिशन के माध्यम से प्रस्तुत होगा। आज 6 जुलाई को प्रदर्शनी का अंतिम दिन है। आयोजिका शोभा ललित लोया के अनुसार एग्जीबिशन में आगामी फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आदि के प्रसिद्ध डिजाइनरों अपने विभिन्न कलेक्शन के माध्यम से ऑरेंज सिटी में प्रस्तुति दी है। संपूर्ण भारत से करीब 50 डिजाइनर अपने नवीनतम डिजाइनिंग कलेक्शन के साथ आए हैं, जिनमें प्रमुखता से नवीनतम होम डेकोर प्रोडक्ट्स, साड़ीज, कुर्तीज, गाउन, टूनिक्स, इम्पोर्टेड गिफ्ट आइटम्स, एसेसरीज, पर्सेस, डिजाइनर परिधान, रियल डायमंड, सिल्वर गोल्ड डायमंड, ऑक्सीडाइज ठेवा ज्वेलरी, राजस्थान थाईलैंड बैग्स, इम्पोर्टेड ब्रांडेड गॉगल्स, फुटवेयर, अपेरल्स, प्योर लेदर पर्सेस, लैपटॉप बैग्स, वंडर शेफ, स्टीम प्रेस, बेडशीट, राजस्थानी चुन्नी घाघरा, लहेरिया, गोटा पट्टी कलेक्शन, बनारसी दुपट्टा साड़ी, गोवर्धन मिल्क प्रोडक्ट्स, गुजराती चनिया चोली, क्लॉथ मटेरियल, तोरण एवं डेकोरेशन आइटम आदि का कलेक्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अमलाई बुढ़ार सेक्शन में तीसरी रेल लाइन विद्युतीकरण का कार्य 7 जुलाई से लेकर 20 जुलाई यानी 14 दिन तक किया जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होते ही गाड़ियों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आएगी। इस कार्य के फलस्वरूप नागपुर मंडल के अंतर्गत बरौनी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस दिनांक 7 एवं 20 जुलाई 2022 को तथा गोंदिया से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 15232 गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस दिनांक 8 एवं 21 जुलाई 2022 को रद्द रहेगी। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जवाहरलाल दर्डा के शताब्दी जन्मदिन पर लाइफलाइन ब्लड बैंक रामदासपेट नागपुर के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर में डॉक्टर बालकृष्ण महाजन ने 113वीं बार रक्तदान करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर लाइफलाइन ब्लड बैंक रामदासपेट नागपुर के डॉक्टर वरंभे ने डॉक्टर महाजन को इस योगदान पर बहुत बधाई दी है। भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव का ससंघ वर्षायोग पहली बार श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत पार्श्वनाथ मंदिर राजा बाजार औरंगाबाद में हो रहा है। आचार्य श्री पुलक सागर के गुरुदेव के मीडिया प्रभारी रमेश उदयपुरकर ने बताया वर्षायोग की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। वर्षायोग समिति के अध्यक्ष ललित पाटनी, वर्षायोग समिति के स्वागत अध्यक्ष सकल जैन समाज औरंगाबाद के अध्यक्ष राजेंद्र दर्डा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को वर्षायोग कर स्थापना समारोह में समिति ने आमंत्रित किया है। आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव ससंघ का 3 जुलाई को औरंगाबाद में आगमन हो चुका है। उनकी सकल जैन समाज द्वारा भव्य अगवानी की गई। 16 जुलाई को दोपहर 1 बजे संगीतमय गुरु पूजा एवं गुरु भक्ति समारोह होगा। 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे वर्षायोग मंगल कलश स्थापना हीराचंद कस्तूरचंद कासलीवाल प्रांगण राजा बाजार औरंगाबाद में होगी। वर्ष 2005 में आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव का वर्षायोग नागपुर में हुआ था। नागपुर के अनेक भक्त 15 जुलाई को औरंगाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नागपुर नगर निगम की उपद्रव तलाशी टीम ने मंगलवार को 21 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,27,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में धर्मपेट, हनुमान नगर, धंतोली, गांधीबाग, सतरंजीपुरा, लकड़गंज, आशीनगर एवं मंगलवारी जोन के NTS ने 18 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 1,00,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। साथ ही 86 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया। मनपा के जांच दल ने धर्मपेट जोन के उत्तर अंबाजरी रोड पर मेसर्स में प्लास्टिक बैग का प्रयोग पाया और कार्रवाई कर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया।
धंतोली जोन के मेडिकल चौक स्थित दीप मोबाइल बाजार से 5000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। गांधीबाग जोन के तहत बड़कस चौक महल में रंगोली फैशन, नंगा पुतला चौक पर मिल्टन शोरूम, टेलीफोन एक्सचेंज चौक पर चांदूराम बेकरी और इतवारी में बेकरी लखानी अगरबत्ती भंडार पर 30000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सतरंजीपुरा जोन के प्रेमनगर स्थित प्रणय मेन्स से 5000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। लकड़गंज जोन के वैष्णो देवी चौक स्थित पंकज क्लॉथ व वेडिंग टेंट हाउस व ज्योति फुटवेयर से 10000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। सामाजिक संस्था संजीवनी फाउंडेशन द्वारा स्वर्गीय दादा रोचलदास केवल रामानी की स्मृति में पिताश्री दवा सेवा केंद्र का उद्घाटन महाबोधि अपार्टमेंट बजाज बीएड कॉलेज के सामने जरीपटका में आयोजित कार्यक्रम में नागपुर महानगर पालिका स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा के हाथों संपन्न हुआ। वीरेंद्र कुकरेजा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि संजीवनी फाउंडेशन दिनों एवं जरूरतमंदों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। फाउंडेशन के अध्यक्ष वादनदास तलरेजा स्वयं प्रेरणा से लोगों की सेवा करने के लिए ललायत रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। फाउंडेशन दीनहीन एवं गरीबों को इन योजनाओं का लाभ देकर देने में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाकर पुण्य का कार्य करे। मैं इस संबंध में उनकी मदद करूंगा। संस्था के अध्यक्ष व नागपुर के प्रसिद्ध व्याख्यानकर्ता वादनदास तलरेजा ने बताया कि दवा सेवा केंद्र में गरीबों एवं जरूरतमंदों को मुफ्त दवाओं एवं अन्य मेडिकल सामग्री का वितरण किया जाएगा तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी मदद की जाएगी। इस उपक्रम के लिए हरीश केवल रामानी ने भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में ग्रीष्मकालीन बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान, कला और कौशल के साथ साथ खेल में भी अग्रगण्य होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्रीड़ा समिति की ओर से 20 मई से 3 जुलाई के दौरान विश्वविद्यालय में बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें 52 बच्चों ने सहभागिता दर्ज की। 4 जुलाई को दूर शिक्षा निदेशालय के भवन में आयोजित समापन समारोह में वर्धा के सांसद रामदास तड़स मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में चांदी जैसी चमक प्राप्त करेगा। सांसद रामदास तड़स ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेल स्पर्धाओं का आयोजन कर इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को ओलंपिक तक पहुँचाया जा सकता है। इस अवसर पर समापन मैच खेला गया, जिसमें लड़कियों में कृष्णा मस्के एवं लड़कों में जैनुल आबिदीन खान विजेता रहे। प्रभाग 16 के अंतर्गत आने वाले पागलखाना चौक के सामने वाले मार्ग पर एनएडीटी के परिसर को लगकर फुटपाथ पर पिछले कई महीनों से फुटपाथ के चेंबर खुले दिखाई दे रहे हैं। अर्ध खुले चेंबर से कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अक्सर राहगीर पैदल चलने के लिए फुटपाथ का ही सहारा लेते हैं। अगर गलती से किसी का पैर इस फुटपाथ के चेंबर पर पड़ जाए तो नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है, खासकर बारिश के मौसम में और रात के वक्त खुले चेंबर दिखाई नहीं देते, जिस कारण कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इस फुटपाथ पर कई जगह पर गटर के ढक्कन खुले दिखाई दे रहे हैं। अक्सर मनपा द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट का कार्य भी सही ढंग से नहीं किया जाता तो कभी मनपा के कर्मचारियों द्वारा फुटपाथ पर मिट्टी के ढेर कई दिनों तक उगते रहे हैं। बारिश के समय ऐसी लापरवाही से नागरिक में रोष की भावनाएं पैदा हो रही है और प्रशासन के कार्य प्रणाली पर संदेह दिखाई दे रहा है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 1587 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 3,02,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 2,60,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।